ये मैं सालन तैयार करने के लिए चूल्हा तैयार कर रहा हूँ। ये बहुत ही आसान चूल्हा है, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा। एक मिनट देखो, देखें ये मैं कैसे तैयार करता हूँ। ये 3 ईंटें ली हैं मैंने, तो उनको तो ये चूल्हा तैयार हो गया। तुरी को तैयार करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, प्याज 2 अदद कटी हुई, तो उसके बाद ये है टमाटर, ये 4 अदद है कटा हुआ, तो 5-6 अदद है ये हरी मिर्ची, तो लहसुन के 2 गंडे हैं जो अभी मैंने इसको पेस्ट करना है, डंडे के साथ कूटना है कुंडी में, तो ये बारीक कर लेंगे। अभी पर ये ऑयल 2 चम्मच डालेंगे, 2 किलो जो है ना वो घिया तुरी है, इसमें ऑयल 2 चम्मच डालेंगे। इसके बाद ये प्याज डालेंगे, प्याज भून लिया है, ब्राउन हो गया है, तो इसमें ये टमाटर डालेंगे। प्याज भून लिया है, ब्राउन हो गया है, तो इसमें ये टमाटर डालेंगे। डालेंगे ये लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रखा था, तो ये इसके अंदर डालेंगे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो हला के मिक्स कर लेंगे। तो मसाला थोड़ी देर में तैयार है, तो इसमें घिया तुरी धो के डाल देंगे, इसको धो लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह रहीम। अभी बार ये प्याज ब्राउन होने के बाद 10 मिनट के बाद ये मसाला तैयार हो गया, तो अब ये मैं इसमें घिया तुरी डालूंगा। ये इस पानी में धोई है, अब ये डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, सालन घिया तूरी का तैयार हो चुका है अभी, तो ये हम उतार रहे हैं। ये घिया तूरी का सालन तैयार हो चुका है, इंशाल्लाह अभी ये खाएंगे। देखो कुछ सही बड़ा अच्छा है।